बात कर लेते हैं गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज एन जीएमडीसी लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जीएमडीसी में आप देख रहे हो कि स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिला है बिकॉज स्टॉक में रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। दिस इज द रीजन कि जीएमडीसी एक अच्छे पोटेंशियल के साथ अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। जीएमडीसी सोल्ड एट क्वार्टर टू पैट जंप 69% ईयर ऑन ईयर टू ₹129 crore। और यहाँ पे जो रिजल्ट रहे हैं वो यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। तो सेल्स आप देखें तो 593 crore की रही हैं, जो लास्ट टाइम सितंबर था वो 383 का था, काफ़ी जंप हुआ है यहाँ पे। एक्सपेंसेस 453 crore के रहे हैं, लास्ट टाइम 432। तो एज इट इज़ सेल्स बढ़ी हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 140 crore का रहा है, लास्ट टाइम 51 था। तो यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा जंप अप हुए हैं। अदर इनकम एज इट इज 62, लास्ट टाइम 77 crore थी। इंटरेस्ट 1 crore का ही है, डेप्रिसिएशन 21 और लास्ट टाइम 18 था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 181 crore का रहा है और लास्ट टाइम ये 109 crore था। नेट प्रॉफिट 128 crore का रहा और लास्ट टाइम 75। तो काफ़ी जंप रहा है नेट प्रॉफिट में भी और ठीक रहा है। यहाँ पे EPS बढ़ के ₹4 का हो गया। इन्वेस्टर्स में देखें तो FII ने हल्के से स्टेक बढ़ाए हैं, DII ने थोड़ी सी कटौती की है। प्रमोटर्स एज इट इज यहाँ पे इंटैक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नर ऑफ गुजरात। और यहाँ पे आप देखें FII में 1.68% के स्टेक हैं और DII में अपने 0.78% के। तो ओवरऑल GMDC में आने वाले टाइम में एक सही मोमेंटम अगर देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखते हैं रूपवंत सिंह IAS MD GMDC सेड डिस्पाइट द एक्सटेंडेड मॉनसून एंड चैलेंजिंग कंडीशन आर कोर बिजनेस इन लिग्नाइट हैज प्रोड्यूस 39.55 मेट्रिक टन इन H1 फाइनेंशियल ईयर 25 रिप्रेजेंटिंग अ 44% इंक्रीज कंपेयर टू द सेम लास्ट ईयर। दिस अचीवमेंट रिफ्लेक्ट अ प्रिसीजन एंड केयरफुल प्लानिंग इन द माइनिंग ऑपरेशन। इन एडिशन टू डिलीवरिंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्मेंस, GMDC हैज मेड नोटेबल प्रोग्रेस इन इट्स स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। वन ऑफ द की अचीवमेंट दिस क्वार्टर वाज द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन 18 एम्ड एट बूस्टिंग लिग्नाइट सेल ड्यूरिंग द मॉनसून क्वार्टर। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव अभी अच्छा देखने को मिल रहा है GMDC में और इसी के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज करेक्टेड है स्टॉक। यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो जनवरी में इतना अच्छा मूव आया था। सिंस जनवरी स्टॉक में अगर देखें तो 39-40% का करेक्शन हुआ है एंड एट स्टिल जो करेंट प्राइस है वहाँ भी 30% करेक्टेड चल रहा है स्टॉक। रिसेंटली डिविडेंड जो था स्टॉक का वो भी ठीक रहा है, ₹9.5 के आसपास का डिविडेंड था और यहाँ पे पेमेंट डेट 27 अक्टूबर रही। तो सारी ही चीज़ें GMDC में सही दिख रही हैं, बस इतनी सी देरी है कि भाई यहाँ ब्रेकआउट हो जाए। बात करिएगा तो ब्रेकआउट के बाद ही करिएगा बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल आता है 375 के अराउंड, वो सस्टेन करता है अपसाइड पोटेंशियल एक अच्छा देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे आप देखें तो गैप्स भी हैं मल्टीपल, एक गैप ये भी दिख रहा है जिसमें से, तो ये गैप फिलिंग भी रहेगी। तो ये नियर टर्म जो शॉर्ट टर्म टारगेट अपने रहेंगे वो 400 का रहेगा पहला, इफ सस्टेन तो 425 कुछ ये अपने रेजिस्टेंसेज रहेंगे। इस तरह से अपने ये सारे रेजिस्टेंस हैं और नीचे स्टॉक के लिए बाय एनी मीन्स अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो 20 EMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक तो 345 और एक 350। तो 345 से 355 की जो रेंज रहेगी वो थोड़ा सा दिक्कत देगी बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल भी आ जाता है, EMAs के हर्डल्स भी हैं इसी जोन पे, तो वो थोड़े दिक्कत देंगे। बट जस्ट इन केस ये EMA निकल जाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ 375 के बाद बाय करिएगा। और यहाँ पे जब भी बाय करें 375 या उसके अंदर एक एड ऑन कैपेसिटी इसलिए ले लीजिएगा कि जस्ट इन केस अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो आप ऐड कर सको नीचे अगर स्टॉक फॉल हो जाता है, वरना स्टॉक सही चल रहा है, रिजल्ट अच्छे हैं, वॉल्यूम भी अपन को सही देखने को मिल रहा है। तो नज़र रखिएगा स्टॉक में मोमेंटम बनने के लिए, अब देर नहीं लगेगी, बस 375 का ब्रेकआउट देने वाला है। तो आई होप यहाँ पे GMDC मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। RSI के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी करेक्टेड था, RSI भी इसका 15 तक टूटा था रिसेंटली 7 अक्टूबर के करीब और वहाँ से फिर से बाउंस कर रहा है। तो एज ऑफ अभी भी RSI 51 के अराउंड ट्रेल कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी RSI देखें तो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होते हुए नजर आ रहा है। अपसाइड पोटेंशियल अगर दिखेगा तो यहाँ पे भी काफ़ी करेक्टेड है, डेली वीकली मंथली सारे टाइम फ्रेम काफ़ी बेटर दिख रहे हैं, 1 RTF भी आप देखें तो अपसाइड पोटेंशियल के लिए फुल रेडी है। तो एक अपसाइड पोटेंशियल अगर रहता है GMDC 355 से तो स्कैल्प अगर करना है तो 355 से 375 के लिए एक स्कैल्पिंग भी रह सकती है, बट थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो एड ऑन कैपेसिटी हर सिनेरियो में लेके चलना है इधर पे आपको। ओके, जस्ट इन केस 375 का ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर और अच्छा चलेगा। तो कुछ इस तरह से टाइम करिएगा GMDC को। EMAs के अकॉर्डिंग अभी हल्का सा रिजेक्शन फेस हो रहा है, सस्टेन करेंगे तो यही चीज़ फिर एक बुलिश सिनेरियो में तब्दील हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं मार्केट आर में, सुबह 10 बजे से और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूं। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।